दोस्तों, डायनासोरों के अंत के पश्चात पृथ्वी ने कई बदलाव देखे। महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए, जिस कारण पृथ्वी का स्वरूप ही बदल गया। नए मार्ग बने और उन नए मार्गों से असंख्य जीवों ने भी नई जगहों पर पलायन शुरू किया, जिससे जीवन पृथ्वी के चारों ओर फैल गया। जीवों का ये ऐसा पलायन था जो पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। महाद्वीपों के खिसकने से जहाँ एक ओर दक्षिणी अफ्रीका चारों ओर समुद्रों से घिर गया, वहीं दूसरी ओर इस महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका के रूप में एक नया पड़ोसी भी मिल गया। बीते वक्त के साथ अनेकों छोटे छोटे द्वीप इन दोनों ही महाद्वीपों के बीच उभरे, जिस कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गए। फिर आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले इसी जुड़े हुए मार्ग के सफर का हम सफर बनते हुए एक नए जीव ने नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश किया। ये जीव एक पक्षी था, लेकिन इतना घातक था कि इसकी खोजबीन करने वाले वैज्ञानिकों ने इसे टेरर बर्ड यानी आतंकी पक्षी का नाम देना ही उचित समझा। 1880 में इस पक्षी की हड्डियों को पहली बार खोजा गया था, लेकिन ये जीवाश्म अधूरे थे। फिर लगभग 100 वर्षों बाद यानी 1978 में लेरी मार्शल नामक एक जीव वैज्ञानिक ने 10 सालों तक चली अपनी खोजबीन के जरिए इस पक्षी के अनेकों जीवाश्मों को इकट्ठा किया। ये जीवाश्म साउथ अमेरिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैले हुए थे। इन जीवाश्मों से टेरर बर्ड के बारे में सही जानकारी सामने आई और इस पक्षी के आकार और हथियारों के बारे में हैरतअंगेज बातें पता चली। हालांकि इस पक्षी का जीवन काल ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हमें इसके काफी कम जीवाश्म ही मिल पाए हैं। ज्यादातर हमें टेरर बर्ड की गर्दन और पैरों की ही हड्डियां प्राप्त हुई हैं, किंतु कम मात्रा में ही सही। लेकिन आज हमारे पास इतने जीवाश्म अवश्य हैं जिनके बल पर टेरर बर्ड के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। दोस्तों, 10 फीट से भी अधिक ऊंचा और वजन में 200 किलो तक हो जाने वाला यह विशाल पक्षी भले ही अपने भारी शरीर के कारण उड़ नहीं पाता हो, किंतु इसकी खूबियां अनोखी थी। टेरर बर्ड के पास बड़ी ही लंबी चौड़ी और बेहद मजबूत चोंच थी। इसकी चोंच के आगे की संरचना आज के शिकारी पक्षी बाज की ही तरह किसी हुक के समान हुआ करती थी, किंतु इसका ये हुक इतना लंबा था कि एक ही वार में बड़े आराम से किसी शेर की खोपड़ी के भी आर पार हो जाए। टेरर बर्ड के गर्दन की हड्डी से साफ साफ पता चल जाता है कि इसकी गर्दन बेहद लचीली थी, जिसे ये उल्लू के समान चारों ओर घुमा सकता था। इस लचीली गर्दन की मदद से ये अपने चारों ओर निगाह रखकर शिकार को खोज सकते थे और बेहद जोर से अपने सिर को भी अपने शिकार पर पटक सकते थे। साथ ही इस पक्षी की टांगें भी काफी लंबी, मोटी और मजबूत थी। इन मजबूत टांगों की ही मदद से ये अपने शिकार पर बेहद तेज किक मारने के काबिल रहा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीव अपनी मजबूत किक से एक ही बार में किसी भी जानवर की हड्डियां तोड़ डालता होगा। इसकी मजबूत और लंबी टांगों की बनावट के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेरर बर्ड किसी चीते से भी अधिक तेज रफ्तार से दौड़ सकने के काबिल रहा होगा। वहीं इसके बड़े चौड़े और नुकीले पंजे किसी छुरे के ही समान इसके शिकार को चीर फाड़ देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, कई अन्य शिकारी पक्षियों की ही तरह टेरर बर्ड के सर की सभी हड्डियां भी एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई और बेहद मजबूत होती थी, जिससे यह विशाल पक्षी अपने सर को भी किसी हथौड़े की तरह अपने शिकार पर दे मारता होगा। यानी यह पक्षी चलती फिरती किलिंग मशीन था, जिसे देखकर शेर भी भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग जाते होंगे। टेरर बर्ड के शिकार के तरीकों को समझने के लिए हम आज के सेक्रेटरी बर्ड द्वारा अपनाई गई शिकार की तकनीक को देख सकते हैं। सेक्रेटरी बर्ड सांप सहित कई अन्य जीवों को अपनी टांगों के प्रहार से ठोकरें मारते हुए मार डालता है। दोस्तों, आज से लगभग 18 लाख साल पहले तक उत्तरी और दक्षिण अफ्रीका में शिकार करने वाले टेरर बर्ड की करीब 25 प्रजातियों का पता लग चुका है, जिनकी ऊंचाई 3 फीट से 12 फीट तक हुआ करती थी। इनमें से कुछ प्रजातियां जहां पहले से मरे हुए जीवों को खाना पसंद करती थी, वहीं कुछ बड़ी प्रजातियां बेहद घातक शिकारी होती थी। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि आखिर इतना कामयाब शिकारी धरती से गायब कैसे हो गया। वैज्ञानिक टेरर बर्ड के खात्मे के पीछे दो कारण मानते हैं। असल में जब दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका आपस में जुड़े और इन दोनों ही महाद्वीपों के जीवों का एक से दूसरे महाद्वीप में पलायन शुरू हुआ, तो उस समय क्रिटेशियस युग चल रहा था। क्रिटेशियस युग के समय के मिले जीवाश्मों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस जमाने में दक्षिणी अमेरिका में ज्यादातर स्तनधारी जीव शाकाहारी ही होते थे, यानी इस महाद्वीप पर टेरर बर्ड को चुनौती देने वाला कोई जीव नहीं था। परंतु उत्तरी अमेरिका में उस समय शिकारी कुत्ते और सेबर टूथ शेरों का राज था, जो बड़े से बड़े शिकार को मार गिराते थे। यानी उत्तरी अमेरिका में पलायन के बाद नए माहौल में जीने के लिए टेरर बर्ड को नई चुनौतियां मिलने वाली थी।
वहीं उत्तरी अमेरिका से बड़ी बिल्लियां और भेड़ियों जैसे जीव भी दक्षिणी अमेरिका में पहुंच चुके थे, जहां वो बड़े पैमाने पर शिकार करते थे। यानी बेहद अच्छी परिस्थितियों में फल फूल रहे टेरर बर्ड को अब दोनों ही महाद्वीपों में खाने की कमी आने लगी। शिकार की तलाश में ही टेरर बर्ड ने उत्तरी अमेरिका की तरफ यात्रा की, किंतु वहाँ पहले से ही खाने की कमी थी। दोस्तों, बिल्ली और कुत्तों की प्रजातियों में एक अनोखी खासियत है, ये जीव शिकार मिलने पर अत्यधिक मात्रा में खाकर अपना पेट भर लेते हैं, फिर इन्हें कई दिनों या हफ्तों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी शिकार की कमी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी ये अपना जीवन जी लेते हैं। किंतु पक्षियों के शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इनके शरीर में चर्बी ज़्यादा जमा नहीं हो पाती, इसलिए पक्षियों को कम मात्रा में और निरंतर खाते रहने की आवश्यकता होती है। किंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच शिकारी जीवों के पलायन की वजह से टेरर बर्ड को लगातार मांस नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए ये पक्षी भूखे मरने लगे। साथ ही अब शीत युग की शुरुआत भी हो चुकी थी। लगातार बढ़ती ठंड ने हरे भरे पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिस कारण इन पेड़ों को खाने वाले तमाम बड़े शाकाहारी जीव भी खत्म होने लगे और टेरर बर्ड जैसे विशाल शिकारी पक्षी की भूख चूहे जैसे छोटे जीवों को खाने से शांत नहीं हो सकती थी। यानी मौसम में आए बदलाव भी इस खौफनाक पक्षी के अंत की एक मुख्य वजह थी। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि टेरर बर्ड के लिए शिकार की कमी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मिलने से पहले ही हो चुकी थी। वर्ष 1984 में उत्तरी अमेरिका के टेक्सास शहर में टेरर बर्ड की टाइटेनिस वलेरी नामक प्रजाति के जीवाश्म ढूंढे गए थे। ये प्रजाति टेरर बर्ड की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी और कुख्यात थी। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये जीवाश्म 50 लाख साल पुराने हैं, किंतु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से करीब 30 लाख साल पहले तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच कोई रास्ता नहीं था। वहीं भारी होने के कारण टेरर बर्ड उड़ तो सकता नहीं था, तो फिर कैसे ये पक्षी दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए? इस बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि टेरर बर्ड के चौड़े पंजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये पक्षी बतखों की तरह तैर भी सकते थे और इन्होंने शिकार की तलाश में भटकते हुए ही दो महाद्वीपों के बीच की ये बड़ी दूरी तैर कर ही पार की होगी। उत्तरी अमेरिका में घने जंगल नहीं थे बल्कि घास के मैदान थे। यहाँ टेरर बर्ड तेज गति से दौड़कर अपने शिकार का पीछा कर सकता था, लेकिन बदलती जलवायु, शिकार में आती कमी और सेबर टूथ शेरों जैसे जानवरों के साथ इस पक्षी का कड़ा संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष के साथ तालमेल ना बिठा पाने के कारण ही आज से तकरीबन 25 लाख साल पहले ये पक्षी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही जगह से विलुप्त हो गया। दोस्तों, पृथ्वी पर हालात हमेशा बदलते रहे हैं। इन बदलते हालातों ने ही अनेकों जीवों को जन्म दिया है। अगर ये हालात ना बदलते तो ना डायनासोर नष्ट होते और ना ही इंसानों का धरती पर जन्म होता। जो जीव इन बदलते हालातों के साथ तालमेल नहीं बना सके, उनका अंत भी इन्हीं बदलते हालातों के कारण हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।